मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा दुर्गा अष्टमी के मौके पर रास उल्लास में पूजा अर्चन करने पहुंचे। इस दौरान एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव चर्चा में मंत्री वर्मा ने कहा कि बच्चियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सरकार और कानून के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। दुर्गा अष्टमी का दिन है और हमारे साथ मौजूद है रास उल्लास में कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। वर्मा जी बताइए कि नवरात्रि का दिन है और इंदौर को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज रेस कोर्स रोड नवदुर्गा उत्सव समिति और नई दुनिया के संयुक्त तत्वावधान में जो माँ दुर्गा की आराधना में गरबे कार्यक्रम होता है और आज तो बड़ा महान दिन है, अष्टमी का दिन है जो सबसे बड़ा दिन माँ अम्बे माँ जगदम्बे की आराधना का माना जाता है। हम तो सारे लोग हाथ उठा के माँ से ये शक्ति मांगे, अपने लिए तो मांगे लेकिन अपने देश के लिए ज़रूर मांगे कि हमारा देश शांति का टापू बने, विकास की नई मंजिलें छुए और हम सारे लोग हमारी भूमिका इस भारत के नवनिर्माण में हो। वर्मा जी एक सवाल हो रहे कि आज राजभवन में महामहिम ने कन्या भोज के समय ये बात कही थी कि अपराध सिर्फ कानून से खत्म नहीं होंगे, ऐसे कुछ करना होगा जिससे कि हृदय परिवर्तन हो या एक बड़े आयोजन करना होंगे, धार्मिक आयोजन जिससे कि कन्याओं के प्रति जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है वो घटनाएं ना हो, इस पर क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? नहीं देखिए, ये तो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग का कर्तव्य है कि वो समाज में इस तरह की जागृति फैलाए, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो एक प्रेरणा उस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में पहुंचाने का काम करे। कि सरकार कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं होता है, सरकार कानून बना सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन मानसिक वातावरण तो समाज में काम करने वाले वो लोग तैयार करते हैं जिनका समाज के प्रति समर्पण होता है। तो सारे लोगों ने मिलकर इस बात को का बीड़ा उठाना चाहिए कि इस तरह के कृत्य हमारे प्रदेश में ना हो। आखिरी सवाल, आज आपने यहाँ पर माता जी के शरण में प्रदेश के लिए क्या कामना की है? मैंने प्रदेश के साथ अपने शहर इंदौर, प्रदेश और अपने देश के लिए मैं यही कामना करता हूँ कि दुनिया में कैसी भी हवाएं चलती हों वो गंदी हवाएं मेरे मुल्क भारत को छू के भी ना निकले, यहाँ भाईचारा हो, यहाँ धर्म और मजहब से ऊपर उठ के इंसानियत हो और हम सब लोगों का कर्तव्य इस देश के प्रति है हम सब में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो ताकि अपने इस देश के लिए हम कुछ कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी, जिन्होंने रास उल्लास में बताया है कि वो यहाँ पर प्रदेश की सुख समृद्धि के साथ उन्होंने कामना की और यहाँ पर उन्होंने गरबे का लुत्फ भी लिया। फिलहाल बने रहिए कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा के लिए एमपी न्यूज़।